सावन झड़ी आ ठहरती होते ना तुम बेगाने बनते ना यू अफसाने बेगानगी में बनते ना यू अफसाने। ये क्या बदतमीजी है? मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। उसकी शह पर वर्कर्स हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए, अच्छा खासा चलता हुआ काम ठप हो जाएगा। तुम्हें आखिर और क्या चाहिए? कौन सा कोई अनोखा काम कर दिया? क्या दुनिया का हर बाप ये काम नहीं करता? लेकिन दुनिया की सारी औलाद वो नहीं करती जो तुम कर रहे हो। फेरोज की क्या इससे पहले कभी माली इमदाद नहीं की गई? ऐसा नहीं होता अगर उमर साहब इस मामले में ना पड़ते। यही तो, सारा शहर उसका है। बदलिहाज ने यह भी ना देखा कि किसके मुकाबले आकर खड़ा हो रहा है। चुप क्यों है रहमान भाई? फैसला करें, हमें फैक्ट्री सील कर देनी चाहिए। उमर को बुलाओ। मैंने कहा उमर को बुलाओ। उमर से क्या बात करेंगे आप? सारे फसाद की जड़ वही तो है। जब्बार, मुझे उमर के साथ बात तो करने, देखने तो दो कि उसके दिल में क्या है और वो हमें कहां खड़ा कर रहा है। भाईजान, मुझे समझ में नहीं आती कि आप उस लड़के के सामने इतने बेबस क्यों हैं। मैं बेबस नहीं, मैं उसे ढील दे रहा हूं। संभल गया तो ठीक है, वरना नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। मेरा तो सर फटा जा रहा है। इस लड़के ने तो कसम खा रखी है इस घर को बर्बाद करने की। अरे, बाप के साथ खड़े होने की बजाय उसके खिलाफ खड़ा हो गया। जा, मशीन लेकर आ, मेरा बीपी चेक कर। अरे, आपकी तो नब्ज बहुत तेज चल रही। आसमान पे उड़ रही है। वो कभी बीपी यहाँ से चेक हुआ है? सुस्ती की मारी भी कहीं की। जांच बार को फोन कर। किया था, वो उठा नहीं रही। या अल्लाह, मेरे बेटों पर रहम कर। पता नहीं कैसी कैसी आजमाइशें आ गई हैं उन पर। मैं पूछती हूँ, ये लड़का किस जन्म का बदला ले रहा है हमसे? क्या बुरा किया है हमने इसके साथ? और तुम किधर जा रही हो? मैंने तुम पे बंदूक नहीं तान देनी। अम्मा जी, वो मैं बर्तन लेने आई थी। हाँ हाँ, तुम लोगों को तो बर्तनों की पड़ी हुई है। अरे, तुम्हारा बेटा जो है वो झंडे जो गाड़ रहा है मैदान में उतर के, तुम्हारे लिए तो फखर का मकाम है। अम्मा जी, मैं भी उतनी ही परेशान। अरे, रहने दो अपनी परेशानी। इतना ख्याल होता ना तो अपने बेटे को समझा के रख दी। वो तो है ही मुझोर अम्मा। अरे, माँ की शह पे उछल रहा है। अम्मा जी, मैं क्यों ऐसा करूंगी? बात सुनो बहू, जिस तरह तुम्हें अपना बेटा प्यारा है ना, उस तरह मुझे भी अपने दोनों बेटों से प्यार है। फोन करो उमर को, अगर नहीं मानता ना तो उसको घर में बंद करो जब तक ये सारा स्यापा जो है ना निमट नहीं जाता। और अगर ऐसा ना किया ना तो मैं कह रही हूं तुम्हें बहुत बुरा होगा। अल्लाह उमर की मदद कर, उसे इस मुश्किल से निकालें। अब्बू और ताए अब्बू उसकी तरफ से बदगुमान ना हो। अगर उमर हक पर है तो उसका रास्ता आसान करते मेरे मालिक। इसे भी उसने कौन सा कोई गलत काम किया,
एक मजदूर की मदद ही तो की है। ये तुम क्या उसके लिए मुसल्ला बिछा के बैठ जाती? अम्मी अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपको लगेगा कि माहीन बदतमीज और बदलिहाज हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, उसके लिए दुआ मांगे बिना नहीं रह सकती। जिसके लिए हमेशा से दुआ मांगती आई हूँ, एकदम उसे अपनी दुआओं से कैसे निकाल दूं? अपने अबू को अच्छी तरह से जानती हो ना, ये मुमकिन नहीं है। मौत से भी तो होते हैं। मुझे सारी उम्मीदें उस जात से हैं जिसने उमर के लिए मेरे दिल में मोहब्बत पैदा की। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी माँ से इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ सहेली भी तो होती है, अगर मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती तो सुनी लिया करें। साहब बहुत गुस्से में, जब बात साहब तो फैक्ट्री को ताला लगाकर सबको फारे करने के चक्रों में, उन्हें आप पे बहुत गुस्सा है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं? एक सेकंड। हाथ हौला रख मेरे भाई, सामने अपने ही अब्बा हैं। आप अंदर जाए, मैं आ रहा हूँ। जी अम्मी। कहाँ हो तुम? बादशाह सलामत के दरबार में हाजिरी देने जा रहा हूँ। उमर मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज तुम्हारे अब्बा नाराज होकर घर आए तो फिर तुम भी घर मत आना, इस घर में फिर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। सुन लिया तुमने? जी ठीक है। हम बाप बेटे को कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे के मुकाबले लाके खड़ा कर दे। तुम थे क्या? तुम्हें लिखाया पढ़ाया किसी काबिल किया इसलिए कि तुम मेरे मुखालिफ ग्रुप के साथ मिलकर मुझ पर कीचड़ उछालो? आपने ऐसा क्यों कहा? खुदा की कसम वो घर नहीं आएगा। तो फिर उमर पर यकीन तो तुम्हें भी ना हुआ। आपने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें भी लगता है कि उसके अब्बा नाराज होकर घर आएंगे? मैं वजू कर लूं। शुक्राने के नफर पढ़ने पड़ गए तो उसका करम, वरना इस्तिग़फ़ार पढ़ लूं। अगर सामने खड़े होने की हिम्मत है ना तो आंख में आंख डालकर बात करो। अबू यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो सिर्फ मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, ये सब चाचू की गलत पॉलिसीज का नतीजा है। तुम मुझे क्या समझते हो, मैं बेवकूफ जाहिल हूं या सारी उम्र झक मारी है मैंने? उमर साहब ये सब कुछ मुझे बाप से विरसे में नहीं मिला था, तुम्हारी तरह प्लेट में सच कर नहीं मिला था, बल्कि इसके लिए मैंने मेहनत की है, कोलू के बैल की तरह दिन से रात मेहनत की है, तब जाके मेरी कोई साख बनी है इस कारोबारी दुनिया में। इसलिए नहीं कि तुम्हारा कद जिस दिन मेरे कद से बड़ा हो जाए तुम इसे दो कौड़ी का कर दो। तुम थे क्या? तुम्हें लिखाया पढ़ाया किसी काबिल किया इसलिए कि तुम मेरे मुखालिफ ग्रुप के साथ मिलकर मुझ पर कीचड़ उछालो? यह सिला दिया तुमने मेरी कुर्बानियों का?
मगर मैं तुम्हारी तरह कमसर्फ नहीं हूं। मैं तमाशा नहीं दिखाऊंगा उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हें मेरे सामने ला खड़ा किया है। फैसला तुम्हें करना है उमर, कि तुम लकीर के इस तरफ खड़े हो या उस तरफ। काश आपने थोड़ी देर और इंतजार कर लिया होता, खुद ही पता चल जाता कि मैं किस तरफ खड़ा। मैं ये तो नहीं जानता कि किसके उकसाने पर आप लोग यहां आकर जमा हुए, मगर सिर्फ एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या बॉस और वर्कर्स का रिश्ता इतना कमजोर है कि आप लोग बदगुमानी की इस हद तक आ पहुंचे? और जो कुछ फिरोज के साथ हुआ वो? फिरोज के साथ जो उसके बाद हुआ किसी को मालूम है? किसी को मालूम है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन हो गया है और वो घर भी आ चुकी है? उस ऑपरेशन का खर्चा, उसकी दवाई का खर्चा कौन उठा रहा है? सब जानते हैं वो आपने उठाया है। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? उमर अब्दुल रहमान। अपने बाप की फैक्ट्री में काम करता हूं, अपने बाप की कमाई खाता हूं। क्या मैं कोई भी फैसला अपने बाप और चाचा की मर्जी के बगैर कर सकता हूं? आज से पहले अगर कुछ भी किसी भी वर्कर के साथ इस फैक्ट्री में गलत हुआ है या कोई वर्कर किसी प्रॉब्लम में पड़ा है तो क्या अब्दुल रहमान पीछे हटे? बताएं आप लोग मुझे, कितनी आसानी से आप लोग ये प्ले कार्ड लिए हड़ताल की धमकी दे रहे? हम सब जानते हैं उमर साहब, जो कुछ फिरोज के साथ हुआ वो हमारी आंखों के सामने हुआ है, उसे किस तरह बेइज्जत करके यहाँ से निकाला गया। तो इस वक्त फिरोज कहाँ है? या क्यों नहीं खड़ा आप लोगों के बीच में? वो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है। वो इस वक्त मिठाई लेके अब्दुल रहमान के घर गया है शुक्रिया अदा करने कि उसकी बेटी को सेहत मिली। तो फिर क्या उसे नौकरी मिल गई? उसको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कवानीन हैं, और अगर कोई भी वर्कर उन रूल्स को तोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगी। फिरोज ने ये रूल्स तोड़े हैं जिसकी वजह से अब उनको यहां पे जॉब पे नहीं रखा जा सकता। लेकिन फिरोज के घर वाले और फिरोज भूखे नहीं रहेंगे, ये अब्दुल रहमान साहब का वादा है। अगर इस वादे के बावजूद भी आप लोग ये हड़ताल जारी रखना चाहते हैं तो शौक से रखें। शुक्रिया। देखा, सब कुछ ठीक कर लिया उसने। बिगाड़ कर ठीक कर दिया, वर्कर्स की नजर में भी कुछ ऊंचा हो गया। लेकिन हमारा नाम उसने नीचे नहीं होने दिया, ये तो तुम मानो। भाईजान, एक दिन आपका कारोबार बर्बाद करके छोड़ेगा। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही खफा रहते हो। खैर, मैं घर जा रहा हूं, बाकी तुम देख लेना। सलाम सर। दरवाजा बंद करो। तुम्हारे जिम्मे मैंने एक छोटा सा काम लगाया था, तुमने वो भी ढंग से नहीं किया। सर, मैंने तो सारा खेल सही बनाया था, उमर साहब ने आके सब गड़बड़ कर दी सर। और सर, उमर साहब के चंद लफ्जों ने ऐसा जादू किया कि सारे वर्कर ही बदल गए। जादू के बच्चे,
तुम्हें क्या खाक सिचुएशन बनानी आती है? जब वो तकरीर कर रहा था तुम ऐसा कुछ करते कि दो चार थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर लगाता। दूर खड़े वर्कर्स ये देखते कि एक वर्कर पर तशद्दुद हुआ है, बस बनती बात भी बिगड़ जाती। मगर नहीं, खड़े रहे तुम, उसकी तकरीर सुनते रहे और अपना मुंह लेकर वापस चले आए। अब लोग उसके लिए वहां तालियां बजा रहे होंगे और तुम अपनी मनहूस सूरत लेके मेरे सामने खड़े हो। सर, उमर साहब का गुस्सा बेलगाम नहीं है सर, वो गुस्सा उसी वक्त निकालते हैं जब उन्हें गुस्सा दिखाना होता है। ठीक है, तुम बैठो यहाँ, उमर पर किताब लिखो। इसे कैसे निकम्मे लोग मैंने भर्ती किए हुए हैं। सर वैसे उमर साहब से आपकी दुश्मनी क्या है? बकवास बंद करो। खबरदार, जो आइंदा मुझसे इस तरह के अहमकाना सवाल करने की जुर्रत भी की तुमने, सुना तुमने? दूर करो अपनी शक्ल यहां से। एहसान फरामोश, वो वक्त याद है तुम्हें जब भूखे नंगे सड़कों पर भीख मांगते फिर रहे थे? तब तो एक छटांक पर जबान चलाने की भी हिम्मत नहीं थी तुम्हें, और अब जब तुम्हारे पेट में कुछ रोटियां चली गई तो मुझसे सवाल करने लगे हो। माफी चाहता हूं सर, गलती हो गई। जाओ यहां से। और सुनो, खबरदार, जो किसी को भिनक भी पड़ी कि अफरा तफरी में किसका हाथ था। बेहतर सर। उमर साहब, आप कहाँ जा रहे हो? वजीर, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तो छुट्टी नहीं हुई, काम भी तो नहीं हुआ। वाकई वो काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ जो तुम चाहते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पता तो तुम्हें सब है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, वर्कर्स को वर्गला कर हड़ताल पे आमादा किसके इशारे पर किया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो कुछ हुआ आपके सामने हुआ, भला मैं किसके इशारे पे काम करूंगा? बताओ मुझे, वरना दो चार पसलियां तोड़ के यहीं से फेंक दूंगा। किसके कहने पर ये सब किया और क्या मकसद था इसके पीछे? मुझे छोड़ दो, मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे सब कुछ नजर आया। कौन है वो लोग जो हम लोगों के बीच में इंतजार देखना चाहते? फिरोज हड़ताल में मौजूद नहीं था तो तुम लोग हड़ताल करने क्यों बैठे किसके इशारे पर? सब मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक, जाने दूंगा तुम्हें, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, हम बाप बेटे को कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे के मुकाबले लाके खड़ा कर दे। मैं हमेशा उनके बराबर खड़ा रहूंगा। तुम्हें अगर यूनियन लीडर बनने का शौक है ना, तो किसी और फैक्ट्री में जाके बनो। मैं आपकी शिकायत रहमान साहब से करूंगा। शौक से करना शिकायत मेरी, लेकिन सुबह इस वक्त वो घर जा चुके। चलो जा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया तुम्हारा मार्का खत्म? आपकी दुआ से। ये बताओ कि कोई ना कोई हंगामा किए बगैर खाना नहीं हजम होता? मैं हंगामा कहाँ करता हूँ दादी, मुसीबतें खुद मुझसे आके गले मिलती हैं। हाँ, गले आके तुम्हें मिलती हैं। अरे तुम किसी मुसीबत से कम हो। अरे बताओ, फैक्ट्री बंद होते होते बच गई, और वो जो बूढ़ा है तुम्हारा मजदूर, वो मिठाई का डब्बा लेकर आ गया हमारे घर। भला बताओ, फैक्ट्री बंद होने पर भी कोई मिठाई के डब्बे लेकर आता है? उसकी बेटी की तबीयत ठीक है ना? हमने तुम्हारा निकाह कराना था उसकी बेटी के साथ। ब्रावो ब्रावो, क्या बात है यार, मतलब कि तुमने तो कमाल कर दिया, साबित कर दिया कि तुम जैद अब्दुल रहमान के भाई। अच्छा, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं पता मेरी जान, बब्बू तो घर उड़ते उड़ते आए, ब्लड प्रेशर शुगर सब लेवल फिट। अच्छा बात सुन,
कहाँ है? क्यों हो इतनी परेशान? क्या कभी ऐसा हुआ है पहले? तुमने कहा उमर इसे ठीक कर दो और मैंने वो ठीक ना किया। गुड़िया का बाजू टूटने से लेकर साइकिल की चेन उतरने कॉलेज के मसाले से लेकर अबू से फरमाइश थी, कभी नहीं। तो परेशानी बात है, क्योंकि इस बार ना तो गुड़िया का बाजू टूटा है और ना ही साइकिल की चेन उतरी है। इस बार तुम्हारे सामने मेरे अब्बू हैं। तो फिर तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। तुमने सब ठीक कर दिया? अल्लाह ने सब ठीक कर दिया। खैर, उस लड़के में दम तो है, तब उसकी बातें सुनकर पिघल जाते हैं। यही तो चलाक लोगों की निशानी है, जो भी सच झूठ कहे लोग मान लेते हैं। जिसके लिए तुम केक बना रही हो वो घर पे नहीं है। उमर चला गया, वो मेरा मतलब था होता तो उमर भी खा लेता। और अब्बू, अब्बू खुश हैं? चाचू का कुछ पता नहीं। अच्छा वो छोड़ो, इतनी टेंस क्यों? तो क्या टेंशन वाली बात नहीं थी? सब घर वाले इतने परेशान हैं, किसी ने दोपहर में लंच भी नहीं किया। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हें कोई परेशानी है। बताओ मुझे, दिल में अगर कुछ है तो शेयर करो। तो मैं कैसे बताऊं? नहीं बता सकती, पर ना वो और तुम्हारे दरमियान फासले और बढ़ जाएंगे। ए, मैंने कुछ पूछा है? क्या बताऊं? मेरे दिल की कोई बात तुमसे छुपी थोड़ी है। चलो ये भी मान लेते हैं। तुम हमेशा ही मेरी मान लेते हो, यही तो मसला है। क्या हुआ? थक गया हूँ थोड़ा। हाँ तो जाओ आराम कर लो। हाँ आराम कर लूंगा, अभी तक तो अम्मी से भी नहीं मिला। उमर, ताइमी बहुत परेशान थी, फौरन जाओ उनसे मिलो और फिर तुम भी सुकून से सो जाओ। तुम्हारी मुस्कुराहट और मेरा सुकून एक साथ बंद है। तुम मुस्कुरा दो, मैं पुरसुकून हो जाऊंगा। अरे ये तो बोनस मिल गया, एक बार और प्लीज। थैंक यू। मुझे हमेशा से लगता है कि मैं उनसे एक फासले पे खड़ा हूँ। मैं उनसे गले लगना चाहता हूँ और वो थपकी देकर आगे चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है उमर, जब बेटा जवान हो जाए तो बाप और बेटे में फासला आ जाता है, लेकिन तुमने भी तो कभी ये फासला खत्म करने की कोशिश नहीं की, एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वो तुमसे क्या मांगते हैं? बस बाप होने का।
उन्होंने मुझसे बाप होने का हक नहीं मांगा, बल्कि मुझे पालने, बड़ा करने, एक अच्छी एजुकेशन देने का हक मांगा। क्या सारे बाप ये नहीं करते हमें? अपने दिल में इतनी बदगुमानी ना पैदा करो मैं। अगर बाप सख्त ना हो तो बेटे बेलगाम हो जाते हैं। अब जैद को देखो, वो छोटे होने का फायदा उठाता है, मगर तुमसे उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। पता है क्या हुआ? जब वो घर आए तो सीधे कमरे में आते बड़े खुशी खुशी मुझे बता रहे थे, मुस्कुराते हुए, कि आसमा तुम्हारा बेटा बहुत चालाक है, उसे बिगड़े हुए काम ठीक करने आते हैं। तुम्हारा बेटा? ये तकसीम तुम दोनों ने की थी, याद है बचपन में तुम कहा करते थे कि जैद अब्बा तुम्हारे और अम्मी मेरी। अरे आज मेरी बेटी बड़ी जल्दी उठ गई है, कॉलेज जाने का इरादा है। जी। तुम्हारी इम्तिहान कब है? बस दो माह रह गए हैं। अल्लाह का शुक्र है मुसीबत टली है, हमारे तो सर पे पहाड़ आ गया था। ये सब कुछ कैसे ठीक हो गया? खैर उस लड़के में दम तो है, तब उसकी बातें सुनकर पिघल जाते हैं, इतबार कर लेते हैं उसका। यही तो चलाक लोगों की निशानी है, जो भी सच झूठ कहे लोग मान लेते हैं। वो झूठ नहीं बोलता इसलिए लोग उस पर एतबार करते हैं। जैद बेचारा तो बिल्कुल मासूम है। दादो मासूम नहीं है, मीसना है। हर वक्त उसके पीछे ना पड़ी रहा करो। फैक्ट्री में ताला पड़ जाता सोचें एक एक दिन में कितना नुकसान होता। अरे कैसे होता, कल से मैंने सूरह यासीन का वजीफा शुरू किया हुआ है, तस्बीह पढ़ पढ़ के मेरा मुंह सूख गया है। जिन बेटों के पीछे माओं की दुआएं होती है ना, उनकी फैक्ट्रियां बंद नहीं होती। शमा जी मैं दफ्तर चलता हूँ। ये तो माँ की दुआएं हैं जो बच्चे अभी तक हिफाजत से हैं, वरना बीवी तो दरवाजे तक नहीं छोड़ने जाती। रहने दो, चला गया वो। उमर ये सुबह सुबह किन कामों में लग गए हो, आज ऑफिस नहीं जाना? लगता है बहुत दिनों से इन्हें पानी नहीं मिला, देखे ना किस तरह मुरझा गए। हाँ ये बात तो है, मुझे आजकल वक्त ही नहीं मिल रहा इनके लिए। आज क्यों ना हम वक्त निकाल कर इन प्लांट्स की देखभाल करें। आज मूड नहीं है ऑफिस जाने का? आगे जाऊंगा। ठीक है, तुम भारे को क्या हो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रहा हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, लिपस्टिक का कोई नया शेड मिल गया? ये क्या बात हुई? तुम लोग इसीलिए तो खुश होते हो जब लिपस्टिक का कोई नया शेड मिल जाए या नेल पॉलिश का कोई नया कलर। लेकिन आज मेरी खुशी की वजह कुछ और। क्या पता है उमर, अब्बू ने तुम्हारी तारीफ की, वो कह रहे थे कि उमर में कुछ जादू है जो लोगों को अपने बस में कर लेता है। तंजिया किया होगा, तुमने सुना ही नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है, असली वाली तारीफ की थी। अच्छा चलो मान लेते हैं। वैसे गालिबन आप कॉलेज जा रही हैं?
हाँ जा रही थी, लेकिन फिर देखो ना, मैंने सोचा कि सारे पौधे इतने खुश्क हो गए तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इन्हें पानी दे दें। फजूल बातें मत करो, कॉलेज जाओ। उमर मैंने कौन सा कोई जॉब करनी है, इतना पढ़ के मैं क्या करूंगी। ओह माय गॉड, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए अभी। अरे माही तुबाही का तो बस चले ना, आज ही हाथ पे मेहंदी लगा के सर पर दुपट्टा ओढ़ के माइयों बैठ जाए। अच्छा हाँ, दुपट्टा तुम्हें मैं उड़ाती हूँ। हर वक्त तुम मुझे तंग करते रहते हो। हैं बचाओ बचाओ मुझे, मेरा बस चले तो, मेरा बस चले तो बचा लो मुझे, मेहंदी लगा के ये ले जाए। मेरी प्यारी दादो, खूंखार बिल्ली से बचा ले वरना मुझे खा जाएगी। अरे तुम लोग झगड़ना लड़ना कब बंद करोगे? अरे मेरे हाथ से तस्वीर गिर गई, पता नहीं किस दाने पे थी। अल्लाह मियां से इतना हिसाब किताब ना क्या करें, ऐसा ना हो कि वो हिसाब किताब शुरू कर। अब तू मुझे सिखाएगा? खुद को बहुत अकलमंद समझता है ना, जब अल्लाह ताला अकल बांट रहे थे पता नहीं कहाँ छुप गया था। अरे तुम्हें नहीं याद, तुम्हारे आगे तो खड़ा था, तभी तो तुम्हारा भेजा खाली रह गया। सेठ के बच्चे अभी नहीं है, अभी कुछ इंतजार। जैक तो मतलब दुनिया में मार खाने के लिए पैदा हुआ है। तुम दोनों मिलके ना मेरा दिमाग खा जाते हो। अच्छा छोड़े दादी माही तुबाही को, मैं अमीर से पकौड़े बना के लाता हूँ, तुम तो नहीं खाओगी ना? तुम्हें तो पकौड़े खाना मना है। क्यों, माही के लिए पकौड़े खाएगी? पहले बनाना तो सीख ले, एक अंडा तक नहीं उबाल सकती। तो इसे क्या जरूरत है अंडा उबालने की? मतलब ये अपने फोड़पन के साथ सारी जिंदगी हम पे मुसलत रहेगी। सीख लेगी, लेकिन सारी जिंदगी भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। वैसे दादो ये अच्छी बात नहीं। कौन सी बात? यही कोई मंगनी शंगनी, कोई धूमधड़का, कोई कोई ग्रैंड फंक्शन। तुझे शर्म नहीं आती? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। चलो अब तेरी माँ को ना बताना पड़ेगा कि रिवाज के मुताबिक लेकर आए रिश्ता, हम हाँ करें या ना करें। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है फिर ये काम भी जैद अब्दुर्रहमान खुद करेगा। दादो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम। फट जाता है मेरी माई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम फैक्ट्री नहीं जा रहे? नहीं आज छुट्टी का मूड। मंजूर करवाई छुट्टी? जी बस वही करवाने आया था। ना मंजूर। वो मैंने इसको कहा था कि आज जरा मुझे आधे घंटे में तैयार होकर फैक्ट्री पहुंचो, नई फैक्ट्री को भी देखना है। जी तुम नहाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगा रही। और आधे घंटे का मतलब है आधा घंटा। इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा वो, उसके पास गाड़ी थोड़ी है। जैसे फैक्ट्री के बाकी लोग पहुंचते। रस्मा बेगम तुम हर बात पे उसकी ढाल बनना बंद कर दो, क्योंकि अब जवान भी हो गया और जिम्मेदार भी। क्या कर रही हूँ? केक बना रही हूँ। जिस लड़की को दाल बनाना ना आती हो वो केक कैसे बना सकती है? दाल बनाना भी सीख लूंगी अम्मी, अब खुश? ये अचानक से तुम्हें सीखने सिखाने का शौक कहाँ से आ गया? क्या इसमें बुरी बात है? अरे मैंने कब कहा बुरी बात है, लेकिन जिसके लिए तुम केक बना रही हो वो घर पे नहीं। उमर चला गया, वो मेरा मतलब था होता तो उमर भी खा लेता। मेरी तो कोई उसे दुश्मनी नहीं, बस मुझे तुम्हारे बाबा से डर लगता है। अम्मी मेरा दिल कहता है अब्बा उसे पसंद करने लगे,
नजरों के सामने बड़ा हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती उससे इतना चिढ़ते क्यों है। तुमने उमर को बताया? मैंने उमर से कुछ नहीं कहा। अगर मैं उमर को बताती तो दोनों के दरमियान और दूरी पैदा हो जाती, और उमर अपने दिल में कोई बात रख ले तो कभी अपने दिल से नहीं निकाल। अल्लाह खैर करे, मुझे तो कुछ असरात अच्छे नहीं नजर आ रहे। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह खैर करे। अब तबीयत कैसी है? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है, आप मेरी बात कराएं उससे। हेलो, हाँ क्या हो गया तुम्हें? देखो अगर तुमने ऐसा किया ना जूबी, तो मैं तुमसे मिलने कभी भी नहीं आऊंगा। अरे नाराज तो मत हो, इसलिए नहीं आ सका क्योंकि बहुत बिजी था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम दवाइयां खाना छोड़ दो। चलो शाबाश, अच्छी तरह अपनी दवाइयां खाओ। जूबी मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा ना? अच्छा चलो मैं प्रॉमिस कर, अब तक नहीं करना ठीक है? फोन दो। जी फिरोज चाचा, मैंने समझा दिया उसे, अब तंग करे तो मुझे बताइए। अल्लाह पागल लड़की। कौन था? जूबी। नाम तो ऐसे ले रहे हो जैसे कोई बहुत मशहूर शख्सियत हो। तुम क्यों जल रही हो? उमर अब्दुल रहमान किसी से इतनी अपनाई से बात करेगा तो मुझे तो जलन होगी ना। उमर अब्दुल रहमान क्या तुम्हारी जागीर? जी हाँ है। अच्छा तो फिर एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी इस जागीर पे बहुत जल्द कब्जा होने वाला। जैद को मैं सब पता है, तुमने ही मुझे बताया था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है और उमर उसके घर रोजाना जाता है, और अगर नहीं जाता तो वो कॉल करके बुलाती है। ऑफिस से 5 लाख रुपए की रकम गायब। व्हाट? आप लोगों ने सबसे पूछा, पुलिस को इन्फॉर्म किया? चोर जब घर में मौजूद हो हालात थाने में नहीं निमटते। और ये ऑफिस जब्बार, बात कर रहा हूं ना मैं। उन्होंने उमर पर इल्जाम नहीं लगाया, मेरी तरबियत मेरी परवरिश उगाली दी है, मुझे इल्जाम दिया है उन्होंने। माई मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं इस वक्त घर छोड़ के जा चुका होता सिर्फ तुम्हारे लिए अपना नाम क्लियर करना है मुझे सिचुएशन से। घर का बच्चा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो सबूत कैसे मिलेगा? पुलिस को बुलवाएं।